नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम सब एक नई रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही आसान है। ये देख ही रहे हैं सभी सामान, गाजर का खीर बनाया जाएगा जो बहुत ही आसान होता है और बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी। इसके लिए ज़्यादा सामग्री मैं नहीं ली हूँ। आप इसे रोज़ घर में बना सकते हैं जब गाजर आपके पास उपलब्ध हो, या फिर हफ्ते में जब भी बनाना चाहें। और इसमें आपको लेना क्या है, चीनी 450 ग्राम मेरा गाजर है जिसमें 5 गाजर था, 4 मैं कद्दूकस कर ली हूँ। ये अभी आप लोग को दिखाती हूँ कैसे कद्दूकस करना है। ये 5 इलायची है, इसका हम पाउडर बनाएंगे, और 4-5 लौंग है, एक 15 15 स्ट्रैंड आपका केसर है। अब इसको हम कद्दूकस कैसे करते हैं, इसके लिए हम 1 किलो दूध लिए हैं जो आँच पे चढ़ा दिए हैं। यहाँ ये आँच पे चढ़ा दिए हैं। आप लोग गोभी का खीर मेरा देखिएगा, उसमें कैसे दूध इसका बॉईल किया जाता है मैं अच्छे से बताई हूँ, 2 पार्ट में वीडियो पड़ा है। इसे पकड़ के ऐसे कद्दूकस कर लेंगे, तो ये कद्दूकस कर लेते हैं, दूध उबल ही रहा है, उसके बाद बताते हैं। ये केसर में 3 चम्मच दूध मिला के भिगो दिए हैं, और इसमें पैन में हम घी डालते हैं 2 चम्मच, और उसके बाद इसमें हम अपना लौंग डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा ये चटक जाए तो इसमें गाजर डाल देंगे। अब हम, ये हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं गाजर, और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। इसे अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग दूध में इसको मिलाएंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गया है। आइए अब दूध देखते हैं, दूध में इसको मिलाते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसमें केसर डाल देंगे। ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अभी हम थोड़ी देर में आप सबको बताएंगे कि एग्जैक्ट खीर बनाने, अच्छी खीर बनाने के लिए थोड़ा रबड़ी की तरह आपको क्या करना है। इस तरह की रेसिपी हम गोभी की खीर में दे चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा गाढ़ा करना है, क्योंकि उस तरह बनाने के लिए हमें उस हिसाब से गाजर की क्वांटिटी लेनी पड़ती है। अब जो उबल रहा था दूध, उसको हम पकड़ के इसमें मिला देंगे। ये हो गया, और इसे चलाएंगे। देखिए, जनरली दूध आधा करके, देखिए दूध पहले से अच्छे से उबल गया था, थोड़ा कम हो गया था। आप लोग जनरली क्या करिए, अगर ये 450 था गाजर, तो इसके लिए आपको आधा करने के लिए आपको 2 किलो दूध लेना पड़ेगा, और 2 किलो में आपको 1 किलो बनाने के लिए, तब ये अच्छा रबड़ी जैसा बनेगा। या फिर आप इससे कम लीजिए, आप 250 ग्राम 300 ग्राम लीजिए, और 1.5 किलो दूध लीजिए। आप कम से कम 50% या 25% जलाइए, जैसा मैं पहले बताई हूँ, उससे रबड़ी की तरह बनेगा। इस तरह रेसिपी बताए, थोड़ा सा गाढ़ा कर लिए दूध, इसको बना लिए फ्राई, अच्छे से सॉफ्ट कर लिए, उसके बाद इसमें हम दूध मिला दिए, 2 मिनट 4 मिनट उबाल के इसको हम बंद कर देंगे किशमिश का पाउडर डाल के। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर इससे ज़्यादा पतला चाहिए तो आप इसमें दूध हल्का सा उबाल के डाल लीजिए, और नहीं पतला हो तो आप दूध का पाउडर इसमें दूध में डालने का प्रयोग कर सकती हैं,
आप इसमें खोया यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा भारी हो जाती हैं, ये आपके ऊपर है। इतने पर आप चाहती हैं तो इसमें हम किशमिश डाल के पाउडर हम रख देंगे। इसके बाद इसमें दूध में आप ड्राई फ्रूट्स डालना हो तो डाल लीजिए, आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो, और आपकी बहुत ही लाजवाब खीर बनके तैयार हो जाएगी। इसमें हम 2 टेस्ट चीनी डाल देते हैं। ये 7-8 चम्मच है हम ये टोटल डाल दे रहे हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो, हल्का पसंद हो मीठा तो हल्का, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा। ये खीर 7-8 चम्मच चीनी से है। चम्मच आप सभी देखे ही हैं, ये हो गया। इसमें हम इलायची पाउडर कुटी हुई डाल दे रहे हैं और इसे 2 मिनट बस बॉयल आ जाए बंद कर देंगे। उसके बाद ये देखिए उबाल आ गया है और खीर न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। आप इस तरह बनाएं खीर और बताएं कैसा बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सौंधी सौंधी घी की। ये देखिए ऊपर घी आ गया है, अच्छे से फ्राई भी हुआ था, बहुत अच्छा पका है और बहुत अच्छा इलायची का खुशबू आ रहा है इससे। ये वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ना पसंद आए तो भी डिसलाइक करिए, लेकिन वीडियो देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।